रहीम, वेलकम बैक टू डेटा स्ट्रक्चर फॉर बीएस कंप्यूटर साइंस सेकंड सेमेस्टर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है रिकर्जन। रिकर्जन क्या है और कैसे काम करता है, और इसके दो एग्जांपल आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि प्रोसीजर विच कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। वो एक प्रोसीजर जो अपने आप को कॉल करता है, बार बार अपने आप को कॉल करता है एक हद तक या एक कंडीशन तक, जब तक कि कंडीशन ट्रू हो तो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, तो इसी फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है, या ऐसे प्रोसीजर को रिकर्सिव प्रोसीजर कहते हैं, या रिकर्जन भी इसको कहते हैं, या रिकरेंस भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो या हम इस तरह लिखते हैं कि सपोज एक प्रोसीजर पी है और ये इसमें एक स्टेटमेंट है टू इटसेल्फ, मतलब एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर ये अपने आप को दोबारा कॉल करता है, तो इसी फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्सिव प्रोसीजर कहते हैं, और इस टेक्निक को रिकर्जन कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोसीजर पी है, ये एक सेकंड प्रोसीजर को कॉल करता है, और वो सेकंड प्रोसीजर क्या करता है, ये इस ओरिजिनल पी को दोबारा कॉल करता है, तो मतलब एक साइकिल बनता है। मिसाल के तौर पर एक प्रोसीजर ये है, ये एक प्रोसीजर को कॉल करता है, और वो प्रोसीजर क्या करता है, वो प्रोसीजर वापस इस प्रोसीजर को कॉल करता है, तो ये एक साइकिल बनता है, तो इसको भी आप रिकर्जन कह सके या रिकर्सिव फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। सो दैट प्रोसीजर में नॉट अच्छा देन पी इज कॉल्ड रिकर्सिव प्रोसीजर सो दैट द प्रोसीजर में नॉट रन इनडेफिनेटली। अब कंडीशन ये है कि प्रोसीजर को इनडेफिनेटली या लामहदूद नंबर के लिए तो कॉल नहीं करना, तो इसके लिए क्या 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 किया गया है कि द रिकर्सिव प्रोसीजर मस्ट हैव द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। जो रिकर्सिव प्रोसीजर है उसमें ये दो प्रॉपर्टीज खामखा होंगी, क्योंकि अगर इसमें ये दो खसूसियात नहीं होंगी तो वो फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन हम नहीं कहला सकते। वो दो क्राइटेरिया क्या क्या है कि देयर मस्ट बी अ सर्टेन क्राइटेरिया कॉल्ड बेस क्राइटेरिया फॉर विच द प्रोसीजर डज नॉट कॉल इटसेल्फ। एक ऐसी एक क्राइटेरिया होगी या एक बेस वैल्यू होगी, जिस जब वो वैल्यू पहुंच आए या जब वो वैल्यू जो वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर वो फंक्शन अपने आप को कॉल नहीं करेगा। और जब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोसीजर कॉल इटसेल्फ, अगर जब जब प्रोसीजर अपने आप को कॉल करता है तो इट मस्ट बी क्लोजर टू द बेस क्राइटेरिया। जो जिस वैल्यू पे फंक्शन कॉल होता है वो वैल्यू क्या होगी, बेस क्राइटेरिया के करीब होगी या बेस क्राइटेरिया तक पहुंचने वाली वैल्यू होगी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब क्या होगा कि प्रोसीजर बार बार कॉल हो, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि लेट सपोज एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, और इसमें लेट सपोज इसका नाम है ए, और ये फंक्शन क्या क्या करता है, ये यहाँ पर क्या एक स्टेटमेंट है इसके अंदर कि कॉल ए। तो अब ये फंक्शन है ए, लेकिन ये इसके अंदर एक स्टेटमेंट है कॉल ए, ये अपने आप को दोबारा कॉल करता है, तो इस तरह की प्रोसीजर को हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं या रिकर्सिव प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक हद तक अपने आप को कॉल करेगा, तो इस तरह के फंक्शन को हम करते हैं क्या कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। इसको समझने के लिए मैंने पिछले दिनों आपको एक एग्जांपल दिया था। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है ए, और ये फंक्शन क्या करता है, ये कॉल करता है एक फंक्शन, एक और फंक्शन को, लेट्स सपोज वो फंक्शन है बी, ठीक है, और ये फंक्शन लेट सपोज कॉल करता है एक और फंक्शन है लेट सपोज सी, और ये फंक्शन लेट सपोज कॉल करता है एक और फंक्शन को, और उस फंक्शन का नाम लेट सपोज डी है। तो अब ए ने क्या किया, ए को चाहिए बी, बी में से कुछ वैल्यू, बी में बी कुछ रिजल्ट कन्वर्ट करके ए को भेजेगा, तो अब ए तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक बी कुछ कुछ वैल्यू रिटर्न न करे। लेकिन अब बी क्या करेगा, बी कॉल करेगा सी को, अब बी वेट करेगा सी का, तब तक बी कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक सी उसको वैल्यू रिटर्न न करे।
और सी क्या कर रहा है, सी ने कॉल की है एक फंक्शन डी। अब डी कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा तब सी आगे प्रोसेसिंग करेगा, वरना सी क्या करेगा, वेट करेगा। अब जब डी प्रोसेसिंग करेगा और डी कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा तो यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी, तब सी क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, कुछ रिजल्ट कैलकुलेट करेगा और वो रिजल्ट भेजेगा, रिटर्न करेगा बी को। तब बी क्या करेगा, तब बी अपनी कैलकुलेशन जारी रखेगा और अपना रिजल्ट कैलकुलेट करके ए को भेजेगा। तो अब क्या होगा, ए एट द एंड ए क्या करेगा, अपना सारा कैलकुलेशन करेगा और ए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस तरह, अब जो ये तो है मुख्तलिफ फंक्शंस, ए कॉल कर रहा है बी को, बी कॉल कर रहा है सी को, अब सी कॉल कर रहा है डी को। अब ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है वो ए अपने आप को कॉल करता है, ये ए एक प्रोसीजर है, ये अपने आप को कॉल करता है। ठीक है, तो अब ये पहले ए जो कॉल हुआ है, लेट सपोज ये है ए वन, अब ए ने अपने आप को कॉल की तो वो हो गया लेट सपोज ए टू। अब पहले ए टू कंप्लीट होगी फिर ए वन कंप्लीट होगी, लेट सपोज अब ए इस ए ने अपने आप को दोबारा तीसरी मर्तबा कॉल किया, लेट सपोज उसको हमने कह दिया ए थ्री, और इस ए थ्री ने फिर अपने आप को कॉल किया और उसको हमने कह दिया ए फोर। तो अब सबसे पहले ए फोर कंप्लीट होगा, वो वैल्यू रिटर्न करेगा ए थ्री को, कॉल नंबर थ्री को। अब ए थ्री कैलकुलेट होगा और वो रिटर्न करेगा अपनी वैल्यू ए टू को। तो अब ए टू जो होगा कॉल ए को, जो दूसरी कॉल है, जो पहले ए वन कॉल हुए, अब ए टू कैलकुलेट होगा, ए टू कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा ए वन को। तो अब ए वन को जब, ये मुख्तलिफ फंक्शन नहीं है, ये ए फंक्शन ए है लेकिन बार बार कॉल हुआ है। ठीक है, एक और मिसाल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा ताकि आप लोग इस पर, लेट सपोज ये एक फंक्शन है ए, ये फंक्शन कॉल हुआ है, इसके अंदर एक स्टेटमेंट है, लेट सपोज ये फंक्शन है ए। ये फंक्शन क्या करता है, ये खुद अपने अंदर कॉल करता है ए को, कॉल करता है ए को एक बार। अब लेट सपोज ये जो फंक्शन ए है, ये कॉल हुआ है पैरामीटर 5 के साथ। ठीक है, पहले दोबारा ये कॉल हो गया है पैरामीटर 4 के साथ। ठीक है, अब इस ये जब पैरामीटर 4 के लिए कॉल हुआ तो इसने दोबारा ए को कॉल की पैरामीटर 3 के साथ। ठीक है, अब ये ए जब कैलकुलेट हो रहा है पैरामीटर 3 के साथ, तो इसने कॉल की ए को अगेन पैरामीटर 2 के साथ। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये जो फंक्शन है पैरामीटर 2 के साथ जो कॉल हुआ है, ये कैलकुलेट होगा, कुछ रिटर्न करेगा, जो पैरामीटर ए थ्री ने इसको कॉल किया था, तो ये ए थ्री को कुछ रिटर्न करेगा। अब ए थ्री क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा 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 और ये इस ए को कुछ रिटर्न करेगा, लेकिन किसने इसको कॉल किया था, ए ने कॉल किया था पैरामीटर 4 के साथ, तो ये इस ए को रिटर्न करेगा कुछ। जब ये जो 4 के साथ कॉल हुआ था, ये भी कुछ कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा, तो ये पहले वाले मतलब जो ओरिजिनल कॉल थी यूजर ने जिसको कॉल किया था पैरामीटर 5 के साथ, तो ये रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा यूजर को। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास रिकर्सिव प्रोसीजर है, मतलब रिकर्सिव प्रोसीजर एक फंक्शन है, इसका नाम ए है, ये अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, तो इसको हम रिकर्जन कहते हैं। अब लेट सपोज मैं इसको यूज कैसे करूंगा। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था पिक्टोरियल का, तो मैंने कहा कि अगर आपके पास फंक्शन हो और आप इस फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं तो इसको कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो फैक्टोरियल के लिए मैंने मैंने बात की थी कि मतलब फैक्टोरियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम दो तरीके से फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ये तरीका है, ये तरीका जो है ये लूप के थ्रू है, रिपीट फॉर फॉर लूप है, के वन से स्टार्ट होके एन तक है।
इसमें हम क्या करते हैं कि हम इस फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, लेट सपोज मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करता हूँ 5 का, तो मैं इसको कॉल करता हूँ 5। फैक्टोरियल एक वेरिएबल पास करूंगा और इसके साथ मैं 5 पास करूंगा कि आपके 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो ये सबसे पहले देखेगा कि जो एन है एन में कहीं 0 तो नहीं है, क्योंकि अगर 0 है तो इसका फैक्टोरियल 1 है और ये डायरेक्ट रिटर्न करेगा। लेकिन अगर ये इसमें कुछ और नंबर हो तो हम फैक्ट में 1 स्टोर करेंगे। ठीक है, फैक्ट में 1 है, रिपीट रिपीट करो फॉर के स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n, के को 1 से शुरू करके n तक रिपीट करो, n में 1 से शुरू करके n तक, n मतलब 1 से शुरू करके 5 तक, क्योंकि अभी मैंने बता दिया कि मैं इसको कॉल करता हूँ 5 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। तो 5 का फैक्टोरियल जो है वो 5 ज़रबी 4 ज़रबी 3 ज़रबी 2 ज़रबी 1 है। तो ये क्या करेगा, फैक्ट में 1 है तो फिलहाल k में भी 1 है और फैक्ट में भी 1 है, तो 1 into 1 = 1, फैक्ट में 1 आ जाएगा, फिर k इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, तो अब k में 2 है, 2 into फैक्ट में 1 है, k into 2 1 into 2, सॉरी k में 2 है फैक्ट में 1 है, तो 2 into 1 2, फैक्ट में 2 आ जाएगा, k इंक्रीमेंट होगा, k इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा, अब फैक्ट में 2 है और k में 3, तो 3 into 2 6, फैक्ट में 6 आ जाएगा, k इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा, तो k में 4 और फैक्ट में 3, तो 4, k में 4 और फैक्ट में 6, तो k into 4 4 into 6 24 24, फैक्ट में आ जाएगा, k इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगा, तो 5 5 into 24, k में फैक्ट में 24 है, तो ये फैक्ट में 120 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं लूप के थ्रू। ठीक है, देखो ये मैंने कैलकुलेटर पास कर दिया कि फैक्टोरियल ऑफ फैक्ट ऑफ फैक्टोरियल ऑफ पाइप मुझे कैलकुलेट करके दो, तो ये क्या करेगा, ये लूप को 5 दफा चलाएगा और हर दफा जो है वो इसके साथ फैक्ट के साथ के को मल्टीप्लाई करेगा। तो फैक्ट में पहले 1 है, के में 1 है, तो 1 into 1 = 1, फैक्ट में 1 आ जाएगा, अब के इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा और फैक्ट में 1 है, तो 1 into 2 2 आ जाएगा इधर, अब के इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा, तो इस फैक्ट में 2 है, 2 into 3 6 आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब फिर के इंक्रीमेंट होगा तो फैक्ट में 6 है और के में 4 है, तो 4 into 6 24 इसमें आ जाएगा, अब के फिर इंक्रीमेंट को होके 5 हो जाएगा, तो 5 into 24 = 120, अब के जब अगले इंक्रीमेंट होके 6 हो जाएगा तो लूप कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 5 तक इसने जाना है। ठीक है, तो ये तरीका जो है लूप का है। अब जो दूसरा तरीका है ये रिकर्सिव फंक्शन है। जो रिकर्सिव प्रोसीजर है फैक्टोरियल का वो कुछ इस तरह है कि हम फैक्टोरियल को कॉल करते हैं, फैक्टोरियल फंक्शन को इसमें 5 पास करते हैं। जब हम 5 पास करेंगे तो सबसे पहले तो ये देखेगा कि कहीं एन में 0 तो नहीं है, अगर 0 है तो उसका फैक्टोरियल 1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि इसमें 0 तो नहीं है, 5 है, तो कॉल फैक्टोरियल फैक्ट ऑफ एन माइनस 1, तो 5 क्या करता है, 5 को तो 4 का फैक्टोरियल चाहे, तो वो 5 क्या करेगा, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेगा 4 के लिए। अब 4 को फैक्टोरियल चाहिए 3 का, तो 4 क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा फैक्टोरियल को 3 के लिए। अब 3 क्या करेगा, 3 को फैक्टोरियल चाहिए 2 का, तो 3 जो है वो कॉल करेगा इसको फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के लिए। अब 2 क्या करेगा, 2 इसको इस फंक्शन को कॉल करेगा 1 फैक्टोरियल के लिए। अब 1 क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा 0 फैक्टोरियल के लिए, एन माइनस 1, 1 जो है एन माइनस 1 0 है, तो ये इसको 0 फैक्टोरियल। अब 1 को क्या मिल जाएगा, 1 को डायरेक्ट मिल जाएगा कि 1 का फैक्टोरियल जो है वो 1 है, तो 1 को अपना फैक्टोरियल जब मिल जाए तो 1 अपना फैक्टोरियल ऐसे कैलकुलेट करेगा कि एन एन जो है वो 1 है और फैक्ट में भी 1 है, तो 1 into 1 1, वो 2 को 1 रिटर्न करेगा कि मतलब मुझे अपना फैक्टोरियल मिल गया। अब 2 को अपना फैक्टोरियल जब मिल जाए, 2 को 1 का फैक्टोरियल मिल जाए, तो वो अपना फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकता है, एन जो है वो 2 है और 1 वो इसके साथ फैक्ट फैक्ट कैलकुलेट कर सकता है, 2 into 1 2, तो 2 अपना फैक्टोरियल कैलकुलेट करके फैक्ट में 3 को रिटर्न करेगा। जब 3 को अपना फैक्टोरियल फैक्टोरियल मिल जाएगा 2 का, तो n में 3 है और 3 को फैक्टोरियल मिल गया 2 का, तो 3 दो 6,
छे, तीन अपना फैक्टोरियल कैलकुलेट करके छे रिटर्न करेगा चार को, तो चार को जब तीन का फैक्टोरियल मिल जाए तो एन जो है वो चार है, और इसको फैक्टोरियल मिल गया थ्री का तीन छे, तो ये कैलकुलेट करेगा छे चार 24, तो ये इस अब चार का फैक्टोरियल कैलकुलेट होके रिटर्न करेगा पांच को। अब पांच को जब चार का फैक्टोरियल मिल जाए तो वो क्या करेगा, एन जो है वो पांच है और फैक्टोरियल में क्या स्टोर है 24, 24 पंजे 120, तो पांच का जो फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा 120, तो 120 यूजर को रिटर्न होगा। तो अब ये फंक्शन है, ये फैक्टोरियल फंक्शन, ये बार बार कॉल हो रहा है एन माइनस वन के लिए, ठीक है। लेट सपोज पांच है तो पांच इसको कॉल कर रहा है चार के लिए, चार इसको कॉल कर रहा है तीन के लिए, और तीन इसको कॉल कर रहा है दो फैक्टोरियल के लिए, और दो इसको कॉल करता है वन फैक्टोरियल के लिए, वन इसको कॉल करता है जीरो फैक्टोरियल के लिए, और इस तरह फिर बारी बारी जो आखिर में कॉल हुआ है वो रिटर्न करेगा, फिर वन वाला रिटर्न करेगा, फिर टू वाला, फिर थ्री वाला, फिर फोर वाला, और फिर एंड में पांच वाला फैक्टोरियल कैलकुलेट होके रिटर्न करेगा। अब ये वही सिम यही फंक्शन है, लेकिन ये बार बार कॉल होता है, ठीक है। यही एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है, इसलिए इसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। अब इसमें ये जो कंडीशन है इसको बेस कंडीशन कहते हैं, कि अगर n अगर 0 हो तो फिर फैक्टोरियल इसका 1 है, फिर इसके आगे इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये रिटर्न हो जाएगा, तो इसको बेस कंडीशन कहते हैं। इसकी बेस भी क्या होता है, फंक्शन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो फाइबोनैसी सीक्वेंस है। फाइबोनैसी सीक्वेंस भी क्या है, ये भी रिकर्सिव फंक्शन है, लेकिन फाइबोनैसी सीक्वेंस जो है, सबसे पहले तो आप लोग फाइबोनैसी सीक्वेंस को पहचाने। फाइबोनैसी सीक्वेंस ये है, लेट सपोज अगर ये एक दो नंबर आपको दिए हैं 0 और 1, तो इसका फाइबोनैसी सीक्वेंस नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 0 + 1 = 1, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपका 1 होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, इन दोनों को जमा करके आएगा वो है 2, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, इन दोनों को जमा करके आ जाएगा और वो है 3। इसके बाद फाइबोनैसी सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 2 और 3 को जमा करके आ जाएगा 5। अब फाइबोनैसी सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर 3 और 5 को जमा करके आ जाएगा 8। फाइबोनैसी सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर जो आएगा 5 और 8 को जमा करके आ जाएगा 13। इसको कहते हैं फाइबोनैसी सीक्वेंस। इसमें भी हम क्या करते हैं, बार बार, लेट सपोज आपको चाहिए ये नंबर कैलकुलेट करो, तो आप इसके लिए ये इन दोनों नंबरों को जमा करके ये फाइबोनैसी नंबर कैलकुलेट करते हैं। इसको कहते हैं एफ एन फाइबोनैसी नंबर, और इन दोनों को कहते हैं एफ एन माइनस वन, इस नंबर को कहते हैं एफ एन माइनस वन, और इस नंबर को कहते हैं एफ एन माइनस टू, ठीक है। तो इस तरह हम फाइबोनैसी सीक्वेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें चाहिए फाइबोनैसी नंबर, ये दो ये फाइबोनैसी नंबर मालूम करना है, तो इसके लिए इन दोनों नंबरों को जमा कर को करें तो ये नंबर मालूम हो जाएगा। लेट सपोज अगर आपको दिया गया है दो सीक्वेंस, ये तो मैंने 0 1 से स्टार्ट की, अगर आपको सीक्वेंस दिया गया है 11 और 16 लेट सपोज, और कहता है कि इसके आगे फाइबोनैसी सीक्वेंस कैलकुलेट करो, तो इसके आगे नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 27 होगा, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 27 + 16 करो तो वो होगा 33। इसके आगे नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 33 और 27 को जमा करो तो आ जाएगा 60। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 60 और 33 को जमा करो तो आ जाएगा 93। इस तरह आप आगे जा सकते हैं। इस नंबर को आप लोग कहेंगे एफ एन। ये हम मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ये एफ एन को कैलकुलेट करने के लिए मैंने एफ एन माइनस वन, ये है एफ एन माइनस वन नंबर, और ये है एफ एन माइनस टू नंबर, इन दोनों को जमा करके मैंने ये 93 कैलकुलेट की। तो ये है फाइबोनैसी सीक्वेंस। फाइबोनैसी सीक्वेंस भी हम उसकी तरह कर सकते हैं रिकर्सिव प्रोसीजर के थ्रू, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर एन आपके साथ 0 हो या एन 1 हो, तो इसका फाइबोनैसी सीक्वेंस क्या होगा, एन होगा। लेकिन अगर ये 1 से ग्रेटर हो तो हम एफ एन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफ एन माइनस 1 और एफ एन माइनस 2 को जमा करके हम एफ एन मालूम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले बता दिया। इसका जो सूडो कोड है या जो अल्गोरिथम है वो कुछ इस तरह है कि अगर आपके पास एन 0 हो या एन 1 हो, तो आपका फाइबोनैसी जो है वो एन होगा, ठीक है। अगर आपके पास एन जो है वो 0 ना हो, कुछ और नंबर हो,
तो उसका फाइबिनेसी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट सपोज अच्छा इसको आप लोग दफा करें। लेट सपोज आप लोगों को बता दिया है कि एन पाँच जो है, पाँच एक नंबर है, इसकी फाइबिनेसी मतलब आपकी लोग कैलकुलेट करें। तो मतलब ये एक पोजीशन है, आपको बताया है कि इस पोजीशन का फाइबिनेसी आप कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले आप एफ एन माइनस वन और एफ एन माइनस टू को मालूम करेंगे। तो वो कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए आप कॉल करेंगे फाइबिनेसी, इस फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, एन है तो एन माइनस वन और एन माइनस टू के लिए कॉल करेंगे। तो आपके पास मालूम होगा फाइबिनेसी ए, एन माइनस टू के लिए कॉल करेंगे तो आपको मालूम होगा फाइबिनेसी ए, एन माइनस वन के लिए कॉल करेंगे तो आपको मालूम होगा फाइबिनेसी बी, और आप फाइबिनेसी बी और ए को जमा करेंगे तो आपको फाइबिनेसी मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये आप हो गया, आपका हो गया फाइबिनेसी ए, ये आपका हो गया फाइबिनेसी लेट सपोज बी, इन दोनों को फिर जमा करो या एफ एन माइनस वन और एफ एन माइनस टू को जमा करो तो आपके पास फाइबिनेसी मालूम होगा। तो ये फाइबिनेसी सीक्वेंस है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप लोग इसको पढ़े समझे और जो भी मसला हो तो आप किसी भी वक्त मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।